नमस्कार साथियों, आपने देखा कि सूर्य कुमार यादव ने गर्मा गर्म शतक से तपे मेहमान, नए साल की पहली सीरीज भारत के नाम। जी हाँ दोस्तों, तो भारत ने श्रीलंका को T20 सीरीज के निर्णायक मुकाबले में 91 रन से शिकस्त दे दी है। इसी के साथ भारत ने सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम कर लिया है। आखिरी मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने, जी हाँ मैं आपको बता दूं कि सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले की गर्माहट से सभी को हैरान कर दी है। तो मैं बात करूं कि भारत और श्रीलंका का जो मैच चल रहा था उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिली, वही सीरीज का निर्णायक मुकाबला राजकोट के मैदान में खेला गया। इस मैच की भी सिक्का भारत के पक्ष में गिरा और कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। शुरुआत में भारत के पक्ष में नहीं रही, लेकिन दूसरे T20 में शानदार हाफ सेंचुरी जड़ने वाले मिस्टर 360 ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को रिमांड ले लिया। वही मैं बात करूं कि स्कॉप में आग का स्वाद एशिया कप चैंपियन को भी चखा दिया। उन्होंने चारों दिशाओं में हवाई फायर किए, जिसमें फील्डर महज दर्शक बन के रह गए। उन्होंने महज 45 गेंदों में शतकीय पारी खेलकर 112 रन के नाबाद पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 7 चौके शामिल है। वही सलामी बल्लेबाज शुभम गिल ने 44 रनों की शानदार पारी खेली। वही इस सीरीज में डेब्यू राहुल त्रिपाठी ने 116 गेंद में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रन में तेज पारी के साथ खेली। वहीं भारत मेहमान के सामने भारतीय टीम ने 229 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। मैं आपको बता दूं कि बल्लेबाजी ने चौकों और छक्कों की बरसात करने में मेहमान टीम पर दबाव बनाया था। इसका भरपूर फायदा भारतीय गेंदबाजों ने उठाया। टीम इंडिया के गेंदबाज शुरू में ही श्रीलंका पर हावी हो गए और मेजबान टीम के 100 रनों से पहले ही श्रीलंका के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत ने इस सीरीज में समझे तो पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। भारत ने इसे 91 रनों से जीत हासिल की। जी हाँ, वही टीम इंडिया के हार्दिक पांड्या कप्तान ने दूसरे T20 सीरीज को अपने नाम किया है और साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने 1-0 से सीरीज अपने नाम की थी। वही 2023 में हार्दिक पांड्या एंड कंपनी ने शानदार तरीके से शुरुआत की और श्रीलंका के खिलाफ भारत ने 2-1 से T20 सीरीज अपने नाम कर लिया। दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 10 जनवरी से होने जा रही है। अब देखा जाएगा कि मेहमान टीम को वनडे टीम में किस तरह से हराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको हर एक अपडेट यहाँ मिलते रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, और अगर कमेंट बॉक्स में अपना राय दे कि क्या हार्दिक पांड्या को कंटिन्यू T20 का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं, या टेस्ट टीम में आपको जवाब देना है कि सूर्य कुमार यादव को खिलाना चाहिए, जगह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मिस्टर 360 जाने जाने वाला ये खिलाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहा है। वही साथ ही साथ मैं बात करूं तो वनडे टीम की अब सीनियर खिलाड़ी वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। साथ ही साथ अब नए अपडेट के साथ हम मिलेंगे आपसे। अभी लेते हैं अलविदा। जय हिंद साथियों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद।